वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर रिविजनरी टेस्ट पेपर जो हमारे सेप्टेम्बर 2024 के लिए एप्लीकेबल है RTP, एंड देर इज अ केस सिनेरियो और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट केस सिनेरियो है बिकॉज इसमें दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस का रोल प्ले कर रहा है रोल. दो सेक्शंस हैं हमारे 44AB और 44AD जो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं. वैसे भी ये दोनों सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी पर केस सिनेरियो. तो आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस केस सिनेरियो. उससे पहले ये दोनों एक बार जल्दी से सेक्शंस का रीकैप कर लेते हैं जिससे कि हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. देखिए 44AB होता है हमारे टैक्स ऑडिट का. असेसी को टैक्स ऑडिट कब कराना चाहिए, ठीक है? आपको पता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट करता है. PGBP की अगर आपकी इनकम आ रही है और अगर असेसी प्रोफेशन कर रहा है तो इसके लिए तो बहुत सिंपल है. प्रोफेशन करने के लिए अगर आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर जाता है, 50 लाख को क्रॉस कर जाता है, देन द असेसी इज लायबल टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड. ठीक है, सिंपल है. प्रोफेशन को अब मैं साइड में रख रहा हूँ, मैं बिजनेस की बातें कर रहा हूँ. बिजनेस के लिए सेक्शन बोलता है इनकेस असेसी का टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जैसे हमारे लिए प्रीवियस ईयर है हमारे एग्जाम्स के लिए 23-24, तो इस प्रीवियस ईयर में अगर हमारा टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से, प्रोफेशन के लिए 50 लाख था, बिजनेसेस के लिए 1 करोड़ की लिमिट दी गई है. तो इनकेस अगर किसी का टर्नओवर 80 लाख है, 90 लाख है, या इनफैक्ट 1 करोड़ भी है, तो उसको ऑडिट नहीं कराना. 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तब उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, राइट? इन द सेम मैनर 44AB हमें ना कुछ रिलैक्सेशन भी देता है. वो कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए हम ये 1 करोड़ की लिमिट बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनको हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं. हम उनके लिए टर्नओवर की लिमिट कर रहे हैं 10 करोड़, 10 करोड़ से 20. आपकी अगर 10 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा. अच्छा हो गया, ठीक है. पहले तो 1 करोड़ के बाद ही ऑडिट था, बट 10 करोड़ के बाद अब ऑडिट होगा, तो थोड़ा ऑडिट से रिलैक्सेशन हो गया हम लोग. बट उसके लिए कहा गया कि आपका एक बिजनेस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस होना चाहिए. ट्रांसपेरेंट, यू ऑल अंडरस्टैंड, यानी कि हम आपकी कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, हम उसको मॉनिटर कर सकें. अब ये कैसे होगा, अगर आप मेजरली जो ट्रांजेक्शंस करते हैं वो बैंकिंग मोड से करते हैं, अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दी है, या फिर अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर दी है, या फिर किसी भी बैंकिंग मोड से आप जितनी भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, रिसिट्स करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, बैंकिंग मोड से करते हैं, कैश में बहुत मिनिमम करते हैं, तो हम आपकी लिमिट 10 करोड़ कर देंगे. समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों के लिए लिमिट 10 करोड़ कर दी गई है और क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपकी जो ट्रांजेक्शंस होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट हो, बैंकिंग मोड से हो, कैश मोड से ना हो, राइट? तो उसके लिए कहा थोड़ा बहुत कैश चलता है, कितना? 5%. ठीक है, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शंस हैं, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शंस हुई है ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसका 5% से ज्यादा कैश में नहीं हुआ. अब जब कभी भी मैं कैश की बातें करता हूं तो प्लीज याद कर लीजिएगा, कैश में बेरर चेक भी आ जाता है, बेरर चेक और क्रॉस चेक भी आ जाता है, क्रॉस चेक, राइट? अब देखिएगा, जब कभी मैं ट्रांजेक्शन्स की बातें कर रहा हूं तो इसका मतलब जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन्स रिसिट्स की हो या पेमेंट्स की हो, दोनों ट्रांजेक्शन को देखना होगा. तो वेदर दीज ट्रांजेक्शन्स आर योर रिसिट्स ड्यूरिंग द ईयर और योर पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, हम दोनों को चेक करेंगे कि कहीं ये 5% से ज्यादा कैश में तो नहीं है, आपकी टोटल पेमेंट्स 5% से ज्यादा तो नहीं है. और यहां पर ना ये टोटल रिसिट्स देखनी होती है, टोटल पेमेंट्स देखनी होती है. मैंने टोटल रिसिट्स, टोटल पेमेंट्स इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हम सिर्फ यहाँ पर आपकी रेवेन्यू रिसिट्स या रेवेन्यू पेमेंट नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम आपकी कैपिटल ग्राउंड्स पर भी अगर कोई पेमेंट्स हो रही है, कैपिटल नेचर की भी है, हम उसको भी देखेंगे, रिसिट्स और पेमेंट दोनों को. अब इसका मतलब आई बिलीव समझते हैं आप लोग रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में डिफरेंस शेड करना. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. लेट्स से एक असेसी का बिजनेस है एंड ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ, कपड़े बनाते हैं ये, ठीक है, क्लोथ के मैन्युफैक्चरर हैं. अब प्लीज बताइए, जब क्लोथ, लेट्स से ये क्लोथ बेचते हैं तो दैट इज अ रेवेन्यू रिसिट्स, राइट? और ये क्लोथ खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं क्लोथ से रिलेटेड, दैट इज अ रेवेन्यू पेमेंट, करेक्ट? अगर इनके पास कुछ मशीन्स भी हैं जिसको ये यूज करते हैं क्लोथ बनाने में, प्लीज बताइए क्या मशीन्स इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है? आंसर इज नो. अगर मशीन्स को इन्होंने खरीदा तो दैट इज अ कैपिटल पेमेंट, राइट? पेमेंट ऑन कैपिटल ग्राउंड. और इस मशीन को इन्होंने बेचा तो दैट इज द रिसिट्स ऑन कैपिटल ग्राउंड, करेक्ट?
मुझे 44AB में आपको ये बताना है कि हम जब 5% की लिमिट लगाते हैं अपने कैश पर या कैश पर बीएलए चेक या क्रॉस चेक पर, वेदर इट इज रिसेट्स या पेमेंट्स, तो हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज 44AB इन नटशेल। ओके, सो नॉर्मली टर्न ओवर 1 करोड़, बट कभी कभी 10 करोड़ भी टर्न ओवर होगा अगर आपकी मेजरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, कैश में जो ट्रांजेक्शन हमने बोला रिसिट्स एंड पेमेंट दोनों। ऐसे नहीं कि सिर्फ सर रिसिट्स तो 5% से कम है बट पेमेंट 5% से ज्यादा है, सॉरी 10 करोड़ नहीं मिलेगा, फिर आपको 1 करोड़ ही मिलेगा, ठीक है, दोनों के ऊपर कंडीशन है। ओके, दूसरा सेक्शन हमारा है 44, चलिए मैं धरी बता देता हूं, 44AD। देखो 44AD हम लोग जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, प्रिजम्पटिव स्कीम में से एक सेक्शन है हमारे पास 44AD, ये दूसरा सेक्शन है प्रोफेशनल्स के लिए, 44A ही हो जाता है फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर वगैरह व्हीकल्स वाले के लिए जिसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं होते। मैं नॉर्मल वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 44AD जहां पर हम बिजनेस का टर्न ओवर देखते हैं कि आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के लिए अब 3 करोड़ वाली अमेंडमेंट भी आ गई थी लास्ट ईयर, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को। अच्छा मुझे बताइए कितना लेते हैं इसमें हमारी प्रेजम्पटिव इनकम, 6% सर, जितना भी हमारा बैंकिंग मोड से ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितना भी ड्यू डेट तक रियलाइज हो गया पैसा, उसका 6% ऑफ द टर्नओवर इनकम बना देते हैं PGBP की इनकम। और अगर जो कैश में पेमेंट्स और जो कैश में रिसिट्स हुई है, सॉरी मैंने पेमेंट बोला, रिसिट्स बोलना तो चाहिए था मुझे, जो कैश में रिसिट्स हुई है उसका 8%, जो भी आपका टर्नओवर है जितना भी टर्नओवर आपको मिला अगर वो कैश में मिला या फिर अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI, चलो ड्यू डेट वाली बात भी मैं अभी समझा देता हूँ, आई बिलीव आपको याद आ गई होगी बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। चलिए 44AD नटशेल में मेनली बिजनेसेस के लिए होता है और ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू 2 करोड़ है तो आप 44AD में आ सकते हैं, 44AD में आ सकते हैं, और 44AD में अगर आप आते हैं तो अपनी प्रिजम्पटिव इनकम निकाल सकते हैं। और प्रिजम्पटिव इनकम क्या होती है, प्रिजम्पटिव इनकम होती है 6% ऑफ योर टर्नओवर, ठीक है, जो आपको बैंकिंग मोड से मिला है। बैंकिंग मोड का मतलब होता है कि अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू, RTGS, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इस तरह की पेमेंट्स, आपके अप्रूव्ड पेमेंट्स जो होती हैं उसका 6% आपके टर्नओवर का 6% अगर बैंकिंग मोड से मिला है, प्रोवाइडेड जितना भी बैंकिंग मोड से मिला है वो आपकी ROI की ड्यू डेट तक मिल चुका हो, ठीक है। ROI की ड्यू डेट के बाद मिला तो फिर हम 6% नहीं लेते, फिर हम 8% लेते हैं, यानी कि 8% किसके ऊपर हो गया, अदर्स के ऊपर। कैश में कोई पेमेंट मिली 8% में जाए, पेमेंट मिलने का मतलब पैसे मिले टर्नओवर वाले, तो 8% पैसे जो पैसे मिले उसका 8% ऑफ टर्नओवर लेते हैं, करेक्ट। या फिर ROI की ड्यू डेट तक आपको टर्नओवर रियलाइज नहीं हुआ तो भी हम 8% ही लेंगे, तो 8% ऑफ द टर्नओवर जो भी आपको कैश में मिला होगा, इधर कैश में मिला होगा या फिर जो भी आपका टर्नओवर ड्यू डेट तक रियलाइज नहीं हुआ, ड्यू डेट तक आपको पैसा नहीं मिल पाया, उसके लिए 8% ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रेजम्पटिव स्कीम होती है। प्रोवाइडेड आपका जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर के लिए आप लोग प्रेजम्पटिव स्कीम निकाल रहे हैं, हमारे प्रीवियस ईयर है 23-24, 2 करोड़ से ज्यादा ना हो। बट आपको पता था इसमें एक अमेंडमेंट आई थी कि कुछ लोगों के लिए हम ये लिमिट इंक्रीज कर रहे हैं, 3 करोड़ तक भी हम लेके चले जाएंगे इस लिमिट को, ठीक है। यानी कि अगर आपके 3 करोड़ तक का भी टर्नओवर है आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड बिल्कुल सिमिलर बातें जैसे यहां पर लिखी हुई थी, प्रोवाइडेड आपका जो भी टर्नओवर हुआ है, यहां पर स्पेसिफिकली टर्नओवर, जितना भी आपका टर्नओवर हुआ है, मतलब मैं कह सकता हूं जितनी आपकी रिसिट्स हुई हैं रिलेटेड टू टर्नओवर, वो उसमें से मैक्सिमम बैंकिंग मोड से हुआ हो, मैक्सिमम बैंकिंग मोड से हुआ हो, यानी कि सेम बातें हैं यहां पर भी, जो आपकी कैश टर्नओवर है, जो आपका कैश में टर्नओवर हुआ है वो 5% से ज्यादा ना, करेक्ट। यानी कि मेजरली आप लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यू आर अ ट्रांसपेरेंट बिजनेस, तो हम आपको भी प्रेजम्पटिव स्कीम की एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। पहले तो यह था कि सिर्फ 2 करोड़ पर लॉट रुक जाता था, बट उन्होंने फर्दर एक और लिमिट दे दी आज 3 करोड़ की, राइट, कि अगर आपका टर्नओवर का बिजनेस का टर्नओवर 3 करोड़ भी है तो भी आप आ सकते हैं यहाँ पर, राइट। बट कैश में जो जितना भी टर्नओवर हुआ है वो 5% से ज्यादा ना हुआ। अब प्लीज मुझे एक छोटा सा डिफरेंस बता दीजिए कि यहाँ पर हम लोग रिसिट्स और पेमेंट दोनों ले रहे थे, यहाँ पर हम सिर्फ टर्नओवर वाली रिसिट्स ही लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली टर्नओवर है तो रिसिट्स ही होगी, पेमेंट तो होगी नहीं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो हम रिसिट्स ले रहे थे वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की ले रहे थे, पेमेंट भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ले रहे थे 44 ए बी में, बट 44 ए डी में हम सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर से रिलेटेड लेंगे, यानी कि रेवेन्यू रिसिट्स लेंगे, कैपिटल रिसिट्स नहीं लेते। ठीक है, समझ में आ गया। सो दीज वर द टू सेक्शंस 44 ए बी और 44 ए डी, ये मुझे रिकैप कराने थे आपके साथ। अब जरा हम लोग अपनी केस स्टडी पर आ जाते हैं। अब केस सिनेरियो ये कह रहा है, मिस्टर नवीन एज 40 इयर्स इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, वैसे पढ़ने का अच्छा तरीका ये होता है कि हमें पहले क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एमटीपी वगैरह के सेशंस में भी, प्रैक्टिस सेशंस में बोला था कि हमें पहले क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेना चाहिए जल्दी से, उसके बाद अपनी केस स्टडी पढ़नी चाहिए। चलिए वैसे ही करेंगे अभी भी हम, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इस केस स्टडी में। लिखा हुआ है, इस मिस्टर नवीन, जो भी हमारा एसएससी है, एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यानी कि हमसे सिंपल पूछ रहा है कि क्या वो 44 एडी में, हमने देखा था ना, हम बिजनेस कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे, एडीए तो लगेगा नहीं, 44 एडी लगेगा उस केस में, एडीए तो प्रोफेशंस के लिए होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या वो 44 एडी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब हमें पता है कि वो एलिजिबल कब होगा, या तो उनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो तब तो एलिजिबल हो जाएंगे, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी टर्नओवर के लिमिट हम 3 करोड़ भी देखते हैं, ठीक है, 3 करोड़ भी देखते हैं, बट 3 करोड़ सिर्फ उनके लिए देखते हैं जिनकी कैश में, जो कैश टर्नओवर है उनका, वो टोटल टर्नओवर का 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसको देख लेंगे। तो दिस इज इजी क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ने बोला, व्हाट वुड बी योर आंसर टू एमसीक्यू 1। अच्छा, एमसीक्यू 1 उन्होंने दोबारा पूछ लिया, बट थोड़ा सा शायद अलग करेंगे अभी। Assuming for the purpose of this answering this MCQ and MCQ 3, okay, ये कह रहे हैं कि MCQ पहले पूरा पढ़ लेता हूं मैं। That Mr. Naveen has additionally received rupees 10 lakh by way of cross check out of turnover during the previous year 23-20। अच्छा, इन्होंने for the MCQ number 2 और MCQ number 3 जो आगे वाला MCQ पढ़ेंगे उसके लिए बोल दिया कि जो भी केस स्टडी में इनका टर्नओवर दिया होगा, जितना भी कैश में मिला, इन्होंने बोला कि 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या फिर भी ये 44 एडी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी बात है। यहां पर ये करेंगे 2 और 3 में। 3 में पूछा है, इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो वही बातें पूछ रहे हैं हमसे 44 ए बी की, क्या हमें ऑडिट कराना है या नहीं कराना। ऑडिट के लिए आप जानते हैं टर्नओवर या तो 1 करोड़ देखना है या कभी कभी 10 करोड़ भी देखना है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये यहां पर फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद फोर्थ पूछ रहे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ नवीन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल पीजीबी पे निकालना है, प्रेजम्प्टिव के अकॉर्डिंग नहीं निकालना है। ठीक है, नॉर्मल पीजीबी पे निकाल देंगे इनका। फिफ्थ पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ नवीन इफ ही डज नॉट वॉन्ट टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। कहते हैं कि अगर वो ऑडिट नहीं कराना चाहते तो हमें पता है कि अगर ऑडिट नहीं कराना चाहते तो प्रिजम्प्टिव स्कीम में आ रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि प्रिजम्प्टिव इनकम पूछ रहे हैं कि 6% या 8% जो हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या होगा। तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। चलिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम केस स्टडी पर आते हैं अपनी। नवीन एज 40 इयर्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, He follows mercantile system of accounting. ठीक है, normally वैसे हम question silent होता है तो हमेशा mercantile system ही मानते हैं, unless and until question specifically बोलता है कि cash basis accounting follow करेंगे तब हम cash मानेंगे, otherwise अगर question silent भी होता तो we will always assume that they follow mercantile system of accounting. The details pertaining to his business for the year ending 31st March 2024 is as under. इस साल कुछ हमें details दी गई हैं। Capital receipts 1.2 करोड़, ओके, टर्नओवर 2.8 करोड़। अब देखिए टोटल रिसिट्स अगर देखते हैं, अगर हम जो हमारे 44 ए बी में काम आती हैं, क्योंकि 44 ए बी में तो हमें अपनी टोटल रिसिट्स देखनी होती हैं और टोटल पेमेंट्स देखनी होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, राइट। और 44 ए डी में हमें सिर्फ अपने टर्नओवर रिलेटेड चीजें देखनी होती हैं, करेक्ट। वहां पर हम कैपिटल रिसिट्स नहीं देखते, वहां पर सिर्फ हम टर्नओवर बेसिस देखते हैं, ओके। तो इन्होंने कहा है कि कैपिटल रिसिट्स आपकी 120 लाख थी, ओके, टर्नओवर 280 लाख था, 2.8 करोड़ मतलब 280 लाख,
अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ टर्नओवर इज 8 लाख, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश आउट ऑफ कैपिटल रिसीट्स इज 2 लाख। ठीक है, ये कहते हैं कि इस 120 लाख में से 2 लाख तो हमारा कैपिटल रिसीट्स का कैश में था और 280 में से 8 लाख हमारा कैश था टर्नओवर से रिलेटेड। ओके, अमाउंट रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक एनईएफटी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट अंडर सेक्शन 139(1), मतलब ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक। ये बातें हमारे काम आएंगी जब हम 44AD वाली प्रेजम्पटिव स्कीम वाली इनकम निकालेंगे जो हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था। ओके, टोटल पेमेंट जिन्होंने की है वो 1.6 करोड़ की है, कैश पेमेंट 9 लाख थी, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10.5 लाख था। याद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 ने पूछा था ना कि आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग पीजीबीपी इनकम बताइए, तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां पर ये काम आने वाली है। अच्छा, अब लिखा हुआ है एन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग दिस रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 15,000 पर मंथ ईच पेड टू वन सिक्योरिटी गार्ड एंड टू हाउसकीपिंग स्टाफ इन कैश। हमें पता है कि अगर आपने पेमेंट्स की हैं 10,000 रुपीज से ज़्यादा की इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पार्टी तो अलाउड नहीं होती, और यहाँ पर हम सैलरी या वेजेस पे कर रहे हैं 15,000 ईच की, कितने लोगों को, 3 लोगों को, एक सिक्योरिटी गार्ड है और 2 हाउसकीपिंग स्टाफ है, तो इसका मतलब डिसअलाउ करना पड़ेगा हमें। कितना इन्होंने पेमेंट की होगी, 15,000 पर मंथ करते हैं 3 लोगों को, 45,000 की पेमेंट करते होंगे हर महीने, इंटू 12 कर दीजिए, कितना आता है ये 15,000 इंटू 3 इंटू 12, ये आ जाता है 5,40,000। तो 5,40,000 हमें एडबैक करना पड़ेगा जब हम आंसर नंबर 4 इनको देंगे, जब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपना नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना इनकम बतानी होगी। ठीक है, तो जैसे देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना 10.5 लाख, ये हमारा एडबैक हो जाएगा। मैंने ठीक कैलकुलेट किया 15,000 इंटू 3 इंटू 12। उसके बाद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए होंगे, इंक्लूड 70,000 पेड इन कैश, 70,000 ने कैश में पे कर दिया, ये भी डिसअलाउ होने चाहिए थे। आगे कुछ लिखा है पेमेंट इन अ डे इज लेस देन 8,000 रुपीज। अच्छा, ये 70,000 कैसे आया होगा, हमने किसी दिन 8,000 पे कर दिया, किसी दिन 7,000 पे कर दिया, किसी दिन 6,000 पे कर दिया, किसी दिन 6,500 पे कर दिया, इन सब का टोटल करके 70,000 आ रहा है। तो क्या आप अलग अलग दिन पर 10,000 या उससे कम पेमेंट कर सकते हैं? आंसर इज येस। तो इस इंफॉर्मेशन का हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अलग अलग दिन पर पेमेंट हुई है और हर दिन में कभी भी पेमेंट 8,000 से ज्यादा की नहीं हुई थी, तो इसका मतलब इसका हमें कुछ नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज मल्टीपल पेमेंट्स, एक सिंगल पेमेंट नहीं है, ये मल्टीपल पेमेंट्स है अलग अलग दिन की, और किसी भी दिन 8,000 से ज्यादा नहीं थी ऐसा बोल रहा है, 10,000 भी होता तो भी चलता, राइट? तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे कंप्यूटेशन में काम नहीं आएगी, और क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें कोई वर्किंग वगैरह भी नहीं दिखानी है, तो इसका मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता, ठीक है, आपको जो 35 मार्क्स वाले में से, तो इसका हमें एक नोट देना पड़ता, राइट, करेक्ट, क्योंकि हम इसको कंप्यूटेशन तो लेते नहीं क्योंकि अलाउड है, तो बट इसका हमें एक नोट देना पड़ता एग्जामिनर को, बताते कि बॉस आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है तो हम आपको बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कंसिडर नहीं करनी होती है, बता देना रीजन 10,000 से ज़्यादा की नहीं है सिंगल डे में। थर्ड, इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टू कमल फॉर 70,000 रुपीज ऑन विच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड, लोन वॉज टेकन फॉर द बिजनेस पर्पसेस। अच्छा, अब इन्होंने एक लोन लिया था बिजनेस पर्पस के लिए और 70,000 रुपीज का इंटरेस्ट था जिसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं करा था, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी SSC, जो हमारा SSC का नाम था नवीन, उनका टर्नओवर अच्छा खासा है, 2.8 करोड़ है, और हम लोग जानते हैं वो ऑल्दो वो इस साल का टर्नओवर है, हमें TDS के लिए लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना होता है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर का टर्नओवर भी इसके आसपास ही होगा ऑब्वियसली, और हम लोग जानते हैं कि अगर इंडिविजुअल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है बिजनेस का और प्रोफेशन का 50 लाख से ज़्यादा लास्ट ईयर का, तो हम उनके ऊपर TDS के प्रोविजन लग जाते हैं, तो एज्यूमिंग जब इस साल 2.8 करोड़ है तो लास्ट ईयर भी इसके आसपास हुआ होगा, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर TDS के प्रोविजन लगेंगे, और इन्होंने बिना TDS डिडक्ट करे 70,000 की पेमेंट कर दी है, तो हम लोग जानते हैं कि उस केस में एक सेक्शन है हमारा, अगर सेक्शन का नंबर आपको याद है तो 40a है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने पेमेंट कर दिया किसी दूसरे, अगर नॉन रेसिडेंट को की होती, आउटसाइड इंडिया पे करी होती, तो 100% डिसअलाउ कर देते, बट इस केस में बिकॉज यहाँ पर हमने कमल को की है, एज्यूमिंग दैट कहीं पर भी ऐसे नहीं लिखा ये नॉन रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया की है,
तो उसको रेसिडेंट ही मानेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम एसएससी को या फिर जिनके बारे में बातें होती हैं उनको रेसिडेंट ही मानते हैं, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि भाई साहब ये नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो इसके ऊपर हम 30% डिसअलाउ कर देंगे, तो इसका 30% हो जाएगा 21,000। ठीक है, तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अभी चाहेंगे तो अभी मिल गया वैसे तो हमें। कैसे? देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10.5 लाख, जिसमें से 5,40,000 हम लोग कर देंगे डिसअलाउ, और यहां से 21,000 डिसअलाउ करेंगे। एक काम करिए, 10.5 लाख में से ये दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 10,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 21,000, हमारा 16,11,000। देख लीजिए 16,11,000, आपके पास कुछ ऑप्शन होगा, हाँ यू हैव ऑप्शन बी, फोर्थ का 16,11 आ रहा है, तो फोर्थ तो हमारा इजीली हो गया क्वेश्चन। चलिए अब एक एक करके फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है कि क्या इनको प्रिजम्प्टिव बेसिस पर ये अपना इनकम कंप्यूट कर सकते हैं, देखते हैं। अब देखिए, इनका टर्नओवर है, अभी हमने देखा था 2.8 करोड़ आ रहा था ना। ओके, अब हमारे प्रिजम्प्टिव स्कीम में 44 एडी में हम लोग जानते हैं कि 2 करोड़ तक तो टर्नओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 2 करोड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है वगैरह वो सब नहीं देखते हैं। बट इनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर निकल रहा है, यानी कि 3 करोड़ वाला की वाले स्लैब में ये आ रहे हैं। अब अगर ये 3 करोड़ वाला पॉइंट में आ रहे हैं तो यहां पर देखना पड़ेगा कि इनकी कैश में टर्नओवर कितना हुआ था, कैश की परसेंटेज कितनी थी टर्नओवर की, बिकॉज यू अंडरस्टैंड 44 एडी में हम टोटल रेसिट्स नहीं देखते, टोटल पेमेंट्स नहीं देखते, यहां पर हम सिर्फ टर्नओवर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर आप टर्नओवर की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो टर्नओवर था इनका 280 लाख, मतलब 2.8 करोड़, जिसमें से 8 लाख लिखा था अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। यहां पर भी अमाउंट रिसीव्ड इन कैश था लास्ट वाला, बट वो कैपिटल रिसीट्स था, वो तो हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ टर्नओवर देखना है फॉर द पर्पस ऑफ 44 AD, करेक्ट, प्रिजम्प्टिव के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल टर्नओवर है 280, जिसमें से 8 लाख का हमारा कैश रिसीट्स हुआ है। तो अगर 8 लाख डिवाइडेड बाय 280 कर दोगे आप, इनटू 100 करेंगे, सिंपल है, इनटू 100 करना, मतलब मैंने आपको शो करा है, बट आपके पास तो कैलकुलेटर डायरेक्टली कर लेना, 8 डिवाइडेड बाय 280% यार 2.85%, इतना तो चलेगा ना, 5% भी होता तो भी चलता, तो यहाँ पे 2.85% तो बिल्कुल चलेगा। तो हम कह सकते हैं हाँ सर बिल्कुल आप अलाउड हैं, क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो कैश में 5% से ज्यादा का नहीं जा रहा है, तो दिस पर्सन इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नो, यस, यस, नो, नो वाले तो बिल्कुल ही गलत है, नो तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अलाउड है। अब यस वाले में इन दोनों में से कौन सा आएगा जरा एक बार देख लेते हैं। यस, सिंस एग्रीगेट कैश रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। Yes, since the amount received in cash during the year do not exceed 5% of turnover. ये वाला better statement है, because हम लोग 44 AD में सिर्फ turnover basis देखते हैं, हम turnover की information देखते हैं, ना कि total amount received की। So the answer is yes, और उसकी सही explanation है this one. Does not exceed 5% of the turnover. समझ में आ गया, easy लग रहा है बिल्कुल। Okay. अब question number 2 में भी हमें same बात बतानी थी, ये पूछ रहा था what would be your answer to MCQ 1? यानी कि एमसीक्यू 1 में क्वेश्चन क्या था, क्या वो 44 एडी ऑप्ट कर सकता है नहीं कर सकता, यानी कि दोबारा से हमें वो आंसर बताना है, बट इसने थोड़ा सा चेंज करा है, इसने बोला है कि अगर उसका टर्नओवर में 10 लाख रुपीज उसको एडिशनल मिल जाता है, इसने एडिशनल वर्ड यूज करा है ना, एडिशनली रिसीव 10 लाख रुपीज अगर मिल जाते क्रॉस चेक से, हम लोग जानते हैं क्रॉस चेक हो या अकाउंट पे ही चेक होगा तो अलग बात है, फिर तो वो बैंकिंग मोड है, क्रॉस चेक है या बेरर चेक है तो दिस इज एज गुड एज कैश, वो कैश की तरह होता है। तो आप अब इनका कैश रिसिट्स कितनी हो गई, 10 लाख से एक्स्ट्रा हो गई, तो अभी हम देख रहे थे अभी 8 लाख थी राइट, अब इनकी 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि अब होगी 18 लाख। अगर 18 लाख हो गई, 18 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100 जब आप करेंगे कितना आ रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 280%, हाँ 6.4% कुछ आ रहा है, ठीक है 5% से तो एक्सीड कर, एग्जैक्ट 5 होता तो चलता, 5 से जैसे ही ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे नहीं आप 44 एडी प्रिजम्प्टिव स्कीम आप नहीं ले सकते, 3 करोड़ वाला आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अब यहां पर, और 2 करोड़ से क्योंकि आपका ऊपर है। देखो अगर इनका टर्नओवर ही 2 करोड़ होता या 2 करोड़ से कम होता फिर तो ये कैश रिसिट्स वगैरह देखने की प्रॉब्लम ही नहीं थी, 2 करोड़ वाले को तो सबको हम बोल देते हैं कि आप आ जाइए 44 एडी में,
बट जो हमने 3 करोड़ वाली जो अमेंडमेंट आई है वो सिर्फ वो ये कहती है कि प्रोवाइडेड आपकी मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो आपकी बैंकिंग मोड से होना चाहिए, कैश में बिल्कुल मिनिमम हो 5% तक। तो सेकेंड वाले सिनेरियो में हम इनको मना कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपका कैश वाला टर्नओवर ज्यादा हो गया है। सेकेंड में मना कर दीजिए, जस्ट सारे में नो है तो कौन सा यूज करेंगे? नो सेंस टर्नओवर ऑफ नवीन एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2 करोड़, ये भी ठीक है क्योंकि हम इनको मना करेंगे क्योंकि इनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर वाला जा रहा है। देखिए 2 करोड़ से 2 करोड़ तक होता फिर तो बोल देते हैं हाँ 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, 3 करोड़ का इनको लगेगा नहीं तो हम बोलेंगे ये सही है। सेकेंड, नो सेंस द एग्रीगेट कैश रिसेट्स ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 5% ऑफ टर्नओवर, कैश रिसेट्स भी 5% से ऊपर जा रही है ये भी सही है। नो एस कैश पेमेंट तो देखते नहीं है, नो ड्यू टू ए एंड बी बोथ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? ए और बी हमारे दोनों ही ठीक आ गए हैं बिकॉज इनका टर्न ओवर भी 2 करोड़ से ऊपर गया और इनकी कैश रिसिट्स भी अब क्योंकि 8 + 10 18 लाख हो गई, 18 / 280 करके देखा 5% से ऊपर हो गई, तो आंसर इज डी क्योंकि ए और बी दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में भी ना हमें इसने बोला था ना, वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जब हम पढ़ रहे थे वहां इसने बोला था कि फॉर द पर्पस ऑफ MCQ 2 एंड MCQ 3 10 लाख रुपीज एडिशनल कैश मानना है हमें। ठीक है जी, 10 लाख एडिशनल कैश मान लेंगे। इज मिस्टर नवीन रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? अब देखो बात ही कर रहा है ये ऑडिट वाले सेक्शन की, 44AB। अब 44AB में मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर हमें टोटल देखना होता है, टोटल ट्रांजेक्शन मतलब टोटल कैश रिसीव्ड, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल ग्राउंड्स पर हो, टोटल कैश रिसीव्ड्स और टोटल कैश पेमेंट्स देखना होगा और इसमें से कोई भी एक आपकी 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5% तक चलेगा, 5% से ऊपर चला गया या तो आपकी कैश रिसिट्स 5% से ऊपर चली गई तो हम इनको मना कर देंगे, आपको 1 करोड़ की लिमिट लगेगी टर्नओवर की और वैसे भी इनका टर्नओवर तो 1 करोड़ से तो ऊपर ही जा रहा है, 2.8 करोड़। तो अब ये देखना कि 10 करोड़ की लिमिट ये सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इधर कैश रिसिट्स ऊपर चली गई नहीं कर पाएंगे या फिर कैश पेमेंट ऊपर चला गया नहीं कर पाएंगे, दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, कैश रिसिट्स की परसेंटेज निकाली और वो 10 लाख एडिशनली ले लेना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि 3 में भी आप 10 लाख को कंसिडर कर लेना। चलिए अब मैं ना इसकी इनकी कैश रिसिट्स देख लेता हूं, कैश रिसिट्स कितनी है? कैश रिसिट्स हैं इनकी 8 लाख रेवेन्यू नेचर की हैं, 2 लाख कैपिटल नेचर की और 10 लाख एडिशनल बोल दिया था। ठीक है, तो 8 + 2 + 10 कैश रिसिट्स हो गई है इनकी, 8 + 2 + 10 यानी कि 20 लाख। और टोटल रिसिट्स कितनी है इनकी? टोटल रिसिट्स हैं सर कैपिटल रिसिट्स 1.2 करोड़, टर्नओवर 2.8 करोड़, यानी कि 1.2 और 2.8 हो जाता है 4 करोड़। मैं लैक्स में लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर वाला लैक्स में निकाला हमने, 400 लैक्स। जरा बताना कितना हो रहा है, 20 / 400 × 100, 5% लग रहा है मुझे ना, 20 / 400%, हाँ जी 5%। तो कैश रिसिट्स तो बिल्कुल कट टू कट आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे रिसिट से, 5% से ऊपर नहीं जा रही, 5% तक तो चलता है। अब जरा कैश पेमेंट और देख लेते हैं, कैश पेमेंट कितनी है, नेक्स्ट पेज पर कैश पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है। ये कहते हैं कि टोटल पेमेंट है 1.6 करोड़ यानी कि 160 लाख और कैश पेमेंट है इसमें से 9 लाख की। और कैश पेमेंट के बारे में रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग नहीं दे रखा, जरूरत भी नहीं है, टोटल ही लेना है हमें। तो 9 / 1.6 करोड़, तो 9 / 160 कर लेते हैं ना, तो 9 लाख आपकी कैश पेमेंट डिवाइडेड बाय 160 लाख टोटल पेमेंट, ये बताना। 9 / 160 ये तो ज्यादा आ रहा है, 5.625% आ रहा है, यानी कि कैश रिसिट्स तो ठीक थी बट पेमेंट ठीक नहीं आ रही है, तो मना कर देंगे कि 10 करोड़ वाली लिमिट आपको देंगे नहीं, यानी कि इनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा बिकॉज इनका 10 करोड़ वाली लिमिट लगी नहीं, 1 करोड़ से ऊपर इनका टर्नओवर है तो ऑडिट कराना जरूरी हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, देखिए कितना अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। थर्ड, तो ऑडिट तो इनको कराना है, नो तो गलत है, ठीक है नो तो मैं लूंगा नहीं, कराना है। यस सिंस द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 5%
कैश रिसिट से प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कैश पेमेंट से प्रॉब्लम थी, सिंस कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 5%, ये ठीक है, सी ठीक है, ठीक है, दोनों में यस, बी और सी में दोनों में यस यस दिया हुआ है, बट एक्सप्लेनेशन देखिए आप, बी की एक्सप्लेनेशन है कि कैश रिसिट्स 5% से ऊपर है, पर रिसिट्स 5% से ऊपर नहीं थी, वो तो एग्जैक्ट 5% थी, पेमेंट्स 5% से ऊपर थी, इस वजह से सी वाला ठीक है हमारा, ठीक है, ओके। फिफ्थ तो आसान है, फिफ्थ में तो ये पूछा था हमसे कि इनका अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना ऑडिट नहीं कराना चाहते तो इनकी इनकम क्या आएगी, तो हमें पता है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराना चाहते तो फिर प्रिजम्प्टिव इनकम ले लेंगे इनकी, तो प्रिजम्प्टिव इनकम कितनी आने वाली है अब इनकी, अच्छा वो 10 लाख भूल जाइएगा, वो 10 लाख एडिशनल, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए ही लेना था, फिर अब नहीं लेना है हमें, अब बस मुझे इतना बता दीजिए इनका टर्नओवर कितना होता है। अब हमें क्या करना है फिफ्थ में, हमें 44 एडी के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है, मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूं आपका, 44 एडी क्या कहता है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं है तो आप 44 एडी में आ सकते हैं, बट यहां पर 2 करोड़ से ऊपर था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक और हमारे पास आज लिमिट है 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ तक हम आपका ले लेंगे, प्रोवाइडेड आपकी कैश रिसेट्स 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो हमारी 5% से ऊपर थी नहीं सिर्फ, और यहाँ पर हम टर्नओवर का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, 5% से ऊपर थी नहीं, यानी कि 3 करोड़ वाली लिमिट ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, 6% और 8%, 6% किसका, जो टोटल टर्नओवर है हमारा, उसमें से बस ये देखिए कि आरओआई की ड्यू डेट तक कितना रियलाइज हो गया, आरओआई की ड्यू डेट तक कितना रियलाइज हो गया, वो भी बैंकिंग मोड में, तो इन्होंने दिया हुआ था ना एक इन्फॉर्मेशन हमें, अमाउंट रिसीव थ्रू अकाउंट पे ही चेक या एनईएफटी या अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब अप्रूव्ड मोड से, बैंकिंग मोड से, ऑनर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई आउट ऑफ टर्नओवर इज 250 करोड़, तो बहुत सिंपल है, तो यहां पर आप ये मत देखिए कैश में कितना रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल करिए कि हमारा आरओआई की ड्यू डेट तक कितना रिसीव हो गया बैंकिंग मोड से, प्रिस्क्राइब्ड मोड से, तो 280 में से 250 करोड़ तो हमारा बैंकिंग मोड से रिसीव हो गया, बाकी की बैलेंसिंग फिगर के ऊपर 8% आपकी इनकम बन जाएगी, ये टैक्स है या इनकम है, प्रिजम्प्टिव इनकम है, करेक्ट, कितना बचेगा 30, राइट, बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल दी 280 में से, 250 माइनस किया 30 आ गया, अब 250 का 6% बताइए, 250 का 6% होता है 15 और 30 का 8% होगा 2.4 होगा ना, 2.4 टोटल कितना हो गया 17.4 लाख, ये रहा फर्स्ट वाला 17.4, क्लियर है। सो दिस वाज अ केस स्टडी इन योर आरटीपी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी, आपके दोनों सेक्शंस वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपके वो भी रिवाइज होते होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एग्जाम्स पास आने वाले हैं पर बिल्कुल भी डरिए मत, कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल अपना यहाँ पर आपको पेशेंस भी बिल्कुल लूज नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बिल्डअप कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है, आप कंसिस्टेंटली बस पढ़ते रहिए, जो आपने स्केड्यूल बनाया है वो करते रहिए, अगर आपके फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर में से 1-2 चैप्टर छूट भी गए तो इट्स ओके, जो बाकी आपके 12-13 आपको चैप्टर्स आते हैं उस पर ही आप ध्यान दीजिए तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको 100% ही कोर्स करना है, ऑल्दो टेक्स्ट में इस वन सब्जेक्ट यहाँ पर 100% करना होता है, बट स्टिल अगर आपके 1-2 छूट भी गए तो इट्स ओके, परफेक्टली फाइन, राइट, इस समय जो आपका टाइम है, जब आप 10-12 दिन आपके एग्जाम्स के लिए बचे हैं तो इस समय टाइम होना चाहिए आपका कि जितना भी चीजें की हैं उसको रीकैप करें, उसको रिवाइज करें बार बार, उसको स्ट्रॉन्ग करें और आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।